हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमने ग्राफिक्स के बारे में, इफेक्ट, क्रॉस हेयर, ऑडियो एंड एक्सेट्रा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई सेक्शन में जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा पिकअप। तो पिकअप में कौन सा हमें सेटिंग एबल रखना है, कौन सा डिसेबल रखना है, क्या यूज़ करना है, वो मैं सब कुछ बताऊँगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया तीन ही चीज़ों को आपको एबल रखना है, बाकी सभी को डिसेबल रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सभी डिसेबल करके रखा है, सिर्फ पहली तीन ही आपको एबल रखना है। और लास्ट में जो मैगजीन एक्सटेंडेड और डिफ़ॉल्ट होता है उसमें आप एक्सटेंडेड कीजिए, मेक श्योर। फिर आता है क्लासिक। तो क्लासिक ऑटो पिकअप में आप देख सकते हैं जो हमारी गन्स होती है वो सारे की पिकअप की कितनी एमओ हमें चाहिए वो सब सेटिंग यहाँ पे होती है। सबसे पहले होती है एआर। एआर यानी कि हमारे जो ऑटोमेटिक राइफल होती है, जो ऑटो गन्स होती है, वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। आपको नाम वन बाय वन देख कर आपको कितनी एमओ चाहिए वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेट की हुई है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का भी ऑप्शन आता होगा, उसे क्लिक करके आप बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी सेटिंग कॉपी करना चाहते हो तो मेरी सेटिंग भी कॉपी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है हमारे डीएमआर गन्स। डीएमआर गन्स यानी कि जो हमारी जो लॉन्ग रेंज गन्स होती हैं, जो स्नाइपर राइफल भी कहा जाता है, लेकिन ऑटो स्नाइपर राइफल होती है, तो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आते हैं हम स्नाइपर राइफल्स पर। स्नाइपर राइफल यानी कि बोल्ट एक्शन भी कहा जाता है, यानी कि जो हेडशॉट देते ही बंदे को डाउन कर सकती है वैसी गन जिसमें टेक्स लगता हो, बेसिकली उसमें सभी स्कोप लगता है, तो उसे स्नाइपर राइफल कहते हैं। फिर आती है एसएमजीज, जो क्लोज रेंज फाइट में हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आती है शॉर्ट गन्स यानी कि जो हमारी शॉर्ट रेंज में गन यूज़ होती है, तो उसकी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत कम रखा है, क्योंकि शॉर्ट गन सिर्फ आप शॉट में जब लैंड होगे तभी आप इसे यूज़ करोगे, पूरी गेम में तो शॉट गन आप यूज़ नहीं करने वाले, तो उसका एमओ कम ही रखेगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा। फिर आती है हमारी जो एलएमजी यानी कि जो हमारी जो हैवी गन्स होती है, मशीन गन्स, DP28 और MG3, तो उसका भी आप देख सकते हैं एमओ, उससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी मैगजीन पावर बहुत बड़ी होती है, इसलिए आप रख सकते हैं अपने हिसाब से ज़्यादा। फिर आती है पिस्टल। पिस्टल शायद ही कोई गेम में यूज़ करता होगा, अगर गन ना मिली हो तो भी लोग पिस्टल यूज़ करते हैं, तो पिस्टल का तो एमओ इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम रखिएगा, बहुत है। और अदर में तो क्रॉसबो है, वो तो आप कभी यूज़ नहीं करने वाले और कीजिएगा भी नहीं, क्योंकि आपका डिवाइस इतना सपोर्ट भी नहीं करेगा और इतना अच्छा एम तो लगेगा भी नहीं। फिर हम आते हैं हीलिंग्स, जो हम अपने आप को हील करते हैं, तो उसकी सेटिंग देख लीजिए। यहाँ पर मिड किट तो जो आपकी फुल हेल्थ करती है ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो रखा है। आप चाहे तो एक एक रख सकते हैं, एक मैक्सिमम बॉट हो गई मिड किट आपके लिए। फर्स्ट एड होती है जो हमारी 75% हेल्थ फुल करती है, वो मैंने यहाँ पे तीन रखी है, आप चार कर सकते हैं या चार इनफ है, तीन भी इनफ है। फिर आती है बैंडेजेस। तो बैंडेजेस हमारी 5% या 2% हेल्थ को इंक्रीज़ करती है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर पेन किलर और एनर्जी ड्रिंक अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे थ्रोएबल्स, जो हमारे नेट्स, स्मोक्स, मोली होती है, तो यहाँ पे उसका सेटिंग आप देख सकते हैं। आप ग्रेनेड और मोली आप चाहे तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्मोक भी चाहे तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट सेटिंग है, आपको यही रखना हो तो यही, ज़्यादा करना हो तो आप प्लस कर सकते हैं, कम करना हो तो माइनस भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे स्कोप्स। तो स्कोप में पहला 2x है, मैंने ज़ीरो किया है क्योंकि मैं 2x कभी यूज़ नहीं करता। 3x मैंने एक रखा है। मैंने 4x भी ज़ीरो रखा है क्योंकि 4x भी मैं यूज़ नहीं करता। 6 मैंने एक रखा है क्योंकि मैं 6 में से 3 कर सकता हूँ। और 8x भी मैंने ज़ीरो रखा है क्योंकि मैं बोल्ट एक्शन स्नाइपर चलाता नहीं हूँ। तो आप अपने हिसाब से स्कोप को यहाँ प्लस कर सकते हैं और जो नहीं चाहते उसे माइनस कर सकते हैं। फिर ऊपर जाके आप सेटिंग देखेंगे, कस्टमाइज अटैचमेंट सेटिंग, जिसमें आप अपनी गन में कौन से अटैचमेंट लगाना चाहते हो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको M4 दी गई है डेमो में, तो आप यहाँ M4 के अटैचमेंट आप अपने हिसाब से जो मन पसंद हो गई वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे M4 में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 6x लिया। फिर मज़ल में मैंने कंपनसेटर लगाया, ग्रिप में मैंने हाफ ग्रिप लगाई, और मैगजीन में मैंने एक्सटेंडेड प्लस क्विक ड्रॉ लगाया, और मैंने स्टॉक में M4 का टैक्स स्टॉक लगा दिया। तो ये मेरी M4 की सेटिंग अब सेव हो गई है। आप चाहे तो यहाँ पे प्लस के आइकॉन से आपको जो गन चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए मैंने AKM आपको बता रहा हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने AKM पर क्लिक किया है। यहाँ पे तो सिंपल यहाँ पे AKM आ जाएगी। फिर आपको AKM में जो भी अटैचमेंट लगाना है, स्कोप, मसल या मैगजीन, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मतलब कि आप अपनी खुद की कस्टमाइज अटैचमेंट गन यहाँ पर सेव कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि अगर गेम अनइंस्टॉल हो जाए और फिर से आपको यही सेटिंग्स चाहिए, तो यहाँ पे VGMI ने यहाँ पे अपलोड टू क्लाउड का ऑप्शन दिया है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ये सारी सेटिंग आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि दोबारा आपको फिर से ये सब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ क्लिक करके सिर्फ ओके का बटन दबाना है, तो आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी और अपलोड हो जाएगी। जैसे ही ओके का बटन दबेगा, यहाँ पे आपको लिखाएगा अपडेट सक्सेसफुली, मतलब आपकी ये सारी सेटिंग अपडेट हो चुकी है। एमओ से लेकर हीलिंग, ग्रेनेड, स्मोक, सब यूटिलिटीज से, और यहाँ के आपकी कस्टमाइज अटैचमेंट भी यहाँ पे आपका सेव हो चुका है। अब ये तो भाई सेव हो गई, अब आपको कैसे उसे लो वापस लाना है, तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप अपलोड करोगे तो अपलोड टू क्लाउड से, तो क्लाउड लोड मैनेजमेंट से जैसे अप्लाई करेंगे, तो आप अपनी सेटिंग वापस ले आ सकते हैं। और आपको किसी और को शेयर करना है, तो यहाँ शेयर का भी ऑप्शन दिया गया है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल्स होते हैं, कस्टमाइज कंट्रोल कैसे सेट कर सकते हैं, उसका क्या यूज़ है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय।